देश की राजधानी दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का सितम जारी है। आसमान में काली घटा छाई है। प्रदूषण और कोहरे की धुंध के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफी कम है। हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। हालांकि आज के लिए मौसम विभाग ने पहले ही बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR, गाजियाबाद, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। IMD की माने तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं कोहरे और ठंड के बीच दिल्ली में 9 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली के लोग इस बार लगातार ही भयावह प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। नवंबर के बाद से ही हवा की गुणवत्ता लगातार खराब चल रही है। इस दौरान ज्यादातर समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के अंक से ऊपर यानी बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में रही। लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि हल्की बारिश के बाद दिल्ली वालों को प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।